हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके इन्वर्टर की बैटरी जो है वो गर्म क्यों होती है और आपके इन्वर्टर बैटरी की पानी जो है वो जल्दी जल्दी खत्म क्यों होता है। तो काफी इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हो तो आपका इन्वर्टर बैटरी जो है वो खराब भी हो सकता है। तो खराब होने से बचाने के लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि हमारा इन्वर्टर बैटरी जो है वो गर्म क्यों होता है और उसकी पानी जो है वो जल्दी जल्दी खत्म क्यों हो रही है। हालांकि दोस्तों, इस टॉपिक पे हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है और बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पे प्यार और सपोर्ट दिया हुआ है। तो मैंने सोचा कि एक और वीडियो बनाते हैं और आपको क्लियर सब कुछ समझाते हैं, जैसे उस वीडियो में जो कुछ हमने नहीं बता पाया था इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमारा इन्वर्टर बैटरी जो है वो गर्म क्यों होता है। अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं तो हमें दोस्तों ये भी पता चल जाएगा कि हमारे बैटरी का जो पानी है वो जल्दी खत्म क्यों होता है। अब दोस्तों, पानी खत्म होने वाली बात जो है, अगर हम एक बार में अपनी बैटरी को फुल करते हैं, जैसे पानी उसमें रिफिल कर रहे हैं अपनी बैटरी में, तो कम से कम उसको 6 महीने के आसपास में हमें दोबारा पानी रिफिल करने की जरूरत पड़ती है। अगर 6 महीने भी आपका चल रहा है बैटरी, मतलब पानी 6 महीने तक खत्म नहीं हो रहा है, तो आप समझिए आपका बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 6 महीने से पहले ही अगर आपकी बैटरी का पानी खत्म हो रहा है तो आपको नोटिस करना है और इस चीज को आपको ठीक करना है। जो आप गलती कर रहे हो उसको आपको ठीक करना है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या आप गलती कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, पिछले कई वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है कि हमारी बैटरी एक लिमिटेड अनुसार चार्ज होती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई 150 एम्पियर की इन्वर्टर बैटरी है तब वो 7.5 एम्पियर से ही चार्ज होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा तेज चार्ज करते हैं तो बैटरी में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हालांकि अगर 7.5 एम्पियर से हम कम स्पीड में चार्ज करते हैं, जैसे 5 एम्पियर से चार्ज करते हैं, 6 एम्पियर से चार्ज करते हैं, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन 7.5 एम्पियर से अगर हम ज्यादा स्पीड में चार्ज करते हैं, 8 एम्पियर से चार्ज करते हैं, 10 एम्पियर से चार्ज करते हैं, तब दोस्तों हमारी बैटरी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और सबसे पहला प्रॉब्लम यही क्रिएट होगा कि हमारा बैटरी जो है वो तेजी से गर्म होगा। ठीक है गाइस, तो आपको सबसे पहला यही चीज है कि आपको बैटरी को देखना है कि आप कौन सी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हो, और आपको ये भी देखना है कि हमारी बैटरी के साथ हम कितने वाट का यूपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो यूपीएस जो है हमारी बैटरी के लिए परफेक्ट है कि नहीं। अगर दोस्तों आप 150 एम्पियर की कोई इन्वर्टर बैटरी यूज करते हो तो 750 वाट का जो यूपीएस होता है, जो कि अप्रोक्स 7.5 एम्पियर के आसपास में ही आउटपुट सप्लाई देता है, तो वो आपकी बैटरी के लिए परफेक्ट रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप उससे भी ज्यादा वाट का कोई यूपीएस का इस्तेमाल करते हो तो आप उसके स्पेसिफिकेशन जरूर पढ़िएगा कि उसकी आउटपुट सप्लाई कितनी है। अगर आउटपुट सप्लाई 7.5 एम्पियर से ज्यादा है तो आपको जरूरत है कि आप उस यूपीएस को चेंज करो, क्योंकि सबसे पहला कारण यही है कि आप अपनी बैटरी को ज्यादा तेज चार्ज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बैटरी गर्म हो रही है। और बैटरी गर्म होती है तो क्या होता है कि बैटरी के अंदर जो पानी होता है, जो एसिड होता है, वो तेजी से उबलने लगता है। तो उबलने के कारण ही क्या होगा कि पानी जो है धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। जैसे हम अपने किचन में कोई खाना बना रहे होते हैं और खाना बनाते समय जब वो पानी उबलने लगता है तो धीरे धीरे पानी जो है वो कम होने लगता है। तो इसी तरह से सेम चीज है इसमें भी। अगर रोजाना हमारी बैटरी तेजी से चार्ज हो रही है और तेजी से डिस्चार्ज भी हो रही है तो पानी जो है उसका उबलेगा और बैटरी गर्म होगी, और बैटरी गर्म होगी तो पानी ऑटोमेटिक जो है वो कम होते रहेगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे हम ये जान सकते हैं कि हमारी बैटरी गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए दोस्तों, अगर आपका बैटरी लगातार 2 घंटे से चार्ज हो रहा है तब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने बैटरी को उल्टे हाथ कुछ इस तरह से टच करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा भी महसूस हो रहा है कि आपकी बैटरी जो है गर्म हो रही है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बैटरी गर्म बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बताते हैं कि बैटरी गर्म होने का एक और कौन सा कारण है। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सोलर पैनल से भी अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और अपने यूपीएस से भी अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। मतलब दोस्तों, सोलर पैनल का भी इस्तेमाल करते हैं और यूपीएस का भी इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ सोलर पैनल भी हमारी बैटरी को चार्ज करते रहते हैं और दूसरी तरफ हमारा यूपीएस भी हमारी बैटरी को चार्ज करते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैटरी को एक बार में ज्यादा करंट मिलता है। जैसे उसकी मैंने आपको बताया कि 7.5 एम्पियर से चार्ज होना चाहिए, तो 5 एम्पियर हमारा मान के चलते हैं सोलर आउटपुट सप्लाई दे रहा है और 7 और 5 एम्पियर हमारा इन्वर्टर आउटपुट सप्लाई दे रहा है, मतलब कि 10 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। तो ज्यादा तेज चार्ज होने की वजह से हमारी बैटरी जो है वो गर्म हो रही है। अब एक और मेन कारण है, देखिए दोस्तों क्या होता है
कि कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा तेज चार्ज तो करते ही हैं हमारी बैटरी को, जिसके वजह से बैटरी गर्म होता है, लेकिन दोस्तों उतना ही ज्यादा अगर आप तेजी से उसको डिस्चार्ज भी करते हो तो भी आपकी बैटरी जो है वो गर्म होगी। मतलब दोस्तों जो बैटरी लिमिटेड अनुसार चार्ज होती है वो लिमिटेड अनुसार डिस्चार्ज भी उसको होना है। मतलब वो 7.5 एम्पियर से चार्ज हो रही है तो 7.5 एम्पियर से ही डिस्चार्ज हो सकती है। उससे ज्यादा तेजी से अगर हम डिस्चार्ज करते हैं तो हमारी बैटरी में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे बैटरी गर्म होगा, बैटरी जल्दी खराब होगा। तो इसमें क्या करना है, हम अपनी बैटरी पे एक बार में ओवरलोड भी नहीं डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि इन्वर्टर से ही वो ड्रिल चलाना शुरू कर देते हैं या फिर ओवरलोड चलाते हैं, घर का सारा डिवाइस जो है एक साथ में चलाने लगते हैं, तो उस समय बैटरी जो है ज्यादा तेजी से कंज्यूम होगा और ज्यादा से ज्यादा लोड चलेगा बैटरी पे। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी बैटरी को लिमिटेड अनुसार चार्ज करना है और लिमिटेड अनुसार डिस्चार्ज करना है। तो ये चीज फॉलो करते हो तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है, और अच्छी खासी आपको बैकअप भी प्रोवाइड कराएगी। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।